लोकसभा चुनाव समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। चार चरण समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इन चार चरणों के बाद पांचवें चरण में किसी की साग दाव पर लगी है तो वो है गांधी परिवार। जी हां, पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव है, जिसमें अमेठी और रायबरेली भी है। अमेठी और रायबरेली ये दो सीटें कांग्रेस के लिए अहम हैं, क्योंकि इन सीटों पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है और कांग्रेस पूरी दमखम के साथ अमेठी और रायबरेली में उतर चुकी है। रायबरेली लोकसभा सीट पर जीत के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा रही है। दो दिवसीय दौरे पर सोनिया गांधी गुरुवार को रायबरेली पहुंच गई। वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए भूमाऊ गेस्ट हाउस पहुंची। गेस्ट हाउस में वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शुक्रवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट सालों से गांधी परिवार का गढ़ रहा है। इस सीट से गांधी परिवार के कई सदस्य प्रतिनिधित्व किया है। सोनिया गांधी रायबरेली सीट से 2004 से 2024 तक सांसद रही हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में केवल रायबरेली सीट पर ही जीत मिली थी। हालांकि इस बार रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी चुनाव मैदान में नहीं हैं। कांग्रेस ने रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ते रहे थे, लेकिन साल 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों वो पराजित हुए थे। हालांकि राहुल गांधी ने 2019 में वायनाड सीट से भी प्रतिद्वंदिता की थी और जीत हासिल की थी। इस चुनाव में रायबरेली सीट पर बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। रायबरेली में पांचवें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ राज्य में चुनाव लड़ रही है।